नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। जन की नहीं मन की बात। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 54 जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनके राज्य का कोई जिलाधिकारी शामिल नहीं हुआ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की नाराजगी उन्होंने जाहिर की और इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाराजगी जाहिर की है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन किसी को बोलने तक नहीं दिया गया। ये अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सभी मुख्यमंत्री शांत बैठे रहे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय हमेशा मन की बातें करते हैं, जन की बातें कभी नहीं करते, और शुरू से इस चीज़ को लोगों ने देखा समझा नहीं था, मगर अब उनकी कार्यशैली को लोग समझने लगे हैं। हद तो तब हो गई जब ये देश के 46 डीएम से बात करने की बात कर दी, तो कहीं ना कहीं यह फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है, उसे बर्बाद करने की तोड़ने की सोच है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है जो आरएसएस के द्वारा संचालित होती है। उन्होंने जब पूरे देश के चीफ मिनिस्टरों से बात करना चालू किया तो आज ये भी पता लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से उन्होंने बात भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि जो देश का प्रधानमंत्री होगा पूरे देश का प्रधानमंत्री होते हैं, मगर नरेंद्र भाई मोदी जी और भाजपा के लोगों के लिए तो सिर्फ भाजपा की कार्यशैली पर और उनके कार्य करने को ही अपने आप को प्रधानमंत्री। देखिए, परसों प्रधानमंत्री जी ने देश के 46 डीएम्स के साथ बात की थी, उसमें भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। आज देश के 54 डीएम्स के साथ बैठक थी और उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी रहने के लिए कहा गया था। बैठक का एजेंडा स्पष्ट था कि डीएम्स अपनी बात प्रधानमंत्री के साथ शेयर करेंगे कि संक्रमण काल के दौरान उन लोगों ने कौन से अच्छे काम किए कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, जिसका लाभ पूरे देश के लोग उठा सकें। लेकिन एक नन इशू को इशू बनाने की कोशिश की गई कि हमें बोलने नहीं दिया गया, हमें बुलाकर अपमानित किया गया। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को, ममता बनर्जी जी को अपने पीछे ट्रैक रिकॉर्ड को देखने की आवश्यकता है कि नीति आयोग की बैठक हो या कोविड को लेकर बैठक हो, इस तरह की कितनी बैठकों का प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक तय थी उसका उन्होंने बहिष्कार किया, किसी बैठक में शामिल नहीं होती हूं। तो आखिर जहां पर जन की बात करनी चाहिए थी वहां पर मन की बात क्यों? ये आरोप अब लगाए जा रहे हैं कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से। शुभम कुमार संवाददाता, बीजेपी प्रवक्ता अमित कुमार आज के दिन लाइव में बैठे हैं। अमित कुमार जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। अमित जी, ये आरोप देखे लगाए जा रहे हैं और सचमुच में अगर कोरोना पर बात हो रही है, राज्यों के हालातों पर बातचीत हो रही है, जिलों के हालातों पर बातचीत हो रही है, तो सर क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए बोलने का? देखिए सागर जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके सामने बात करना चाहता हूँ। और आज प्रधानमंत्री अपने किस नीचे स्तर पर जाके आज यदि डीएम से बात कर रहे हैं, आज यदि ग्राम पंचायतों से बात कर रहे हैं, तो देखिए अमित जी, तुरंत रोक रहा हूँ आपको, माफ करिएगा। नीचे स्तर का आपने जो इस्तेमाल किया सर, एक गरीब इंसान जो होता है गांव का, जिसकी एक पैसे की कमाई नहीं होती सर, वो भी तो वोट करता है ना पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सर छोटा बड़ा कहां से इसमें आ गया सर? कोई नहीं, मैं छोटा बड़ा नहीं, मेरा आप सब को, मेरे सब को आप समझिए। हाँ। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस स्तर पर जाके लोगों से बात कर रहे हैं, जिलों के डीएम से बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों के मुखिया से बात कर रहे हैं, और एक एक चीज वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जिला किस तरह से काम कर रहा है, हमारा गांव में किस तरह से संक्रमण को रोका जाए। और जब इस स्तर पर जाके माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं और लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं, और इसको यदि कोई राजनीतिक विषय बनाता है, यदि कोई मुख्यमंत्री राजनीतिक विषय बनाता है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज 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 यदि प्रधानमंत्री जिले के डीएम से ये पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था है कि नहीं, आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था क्या है,
आपके यहाँ हर ब्लॉक में क्या व्यवस्था है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और लेकिन बंगाल के जिलाधिकारियों से कोई आपत्ति थी क्या अमित जी? हर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी स्वाभाविक रूप से डीएम से बात कर रहे होंगे, डीएम के कंसल्ट में होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का इन लोगों के सीधे संपर्क में आना शायद उनको खड़क रहा है, उनको दुख हो रहा है इस बात। सर क्या बंगाल के जिलाधिकारियों को मीटिंग में बैठाना जरूरी नहीं समझा गया? क्या आपत्ति थी इसमें कोई? नहीं, ये तो ममता बनर्जी से पूछना चाहिए। ममता बनर्जी स्वयं बोल रही है कि मैंने अपने डीएम को मना किया इस बैठक में। तो आप मानसिकता देख लीजिए, यदि केंद्र सरकार यदि सहयोग करना चाहती है, प्रधानमंत्री यदि सहयोग करना चाहते हैं, तो उस सहयोग को भी लेने के स्थिति में ममता बनर्जी नहीं है। और ये तो पहले से चला आया है। अभी जो आप अपने प्रदीप चिनाजी का सुना रहा था हम लोगों को, तो उसमें स्पष्ट रूप से कि उनको केंद्र की किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है कि वो बंगाल को किस तरफ ले जाना चाहती है, वहां किसानों का क्या हाल है, किसान प्रधानमंत्री अमित जी आपने ये भी अब आज दर्शा दिया, ये भी अब हम सिद्ध करें कौन सच्चा कौन झूठा। ममता बनर्जी कहती है कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, शुभम कुमार भी जुड़े हुए हमारे साथ। शुभम, आज के दिन जब पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे थे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, तमाम जिलाधिकारियों से, तो झारखंड के बारे में उन्होंने क्या बात कही, क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा में? शुभम, बिल्कुल देखिए सागर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर अपनी नज़र बनाए हुए थे, और उसी कड़ी में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कह सकते हैं झारखंड की व्यवस्था को जानने की कोशिश की है। और झारखंड में जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण में जो अचानक से गिरावट आई है, उसके पीछे क्या वजह थी, उसके पीछे क्या तैयारी थी, उसके पीछे क्या प्लानिंग, क्या होमवर्क किया गया था, उन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है। खुद राज्य के राजधानी रांची के उपायुक्त छवि रंजन भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के तमाम पदाधिकारियों से भी बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना के जो बढ़ते मामले झारखंड में देखने को मिल रहे थे, और अचानक से जो रिकवरी रेट झारखंड में बढ़ा है, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों में जो गिरावट आई है, वो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बहुत राहत देने वाली बात है। और कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कैसे कोरोना पर नियंत्रण किया जा सके, जो तीसरा लहर कोरोना का आने वाला है ऐसा सभी कह रहे हैं, उसको लेकर कितना राज्य सरकार तैयार है, कितना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तमाम पदाधिकारियों ने प्लानिंग करके रखी है, इन सारी चीज़ों पर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रांची के उपायुक्त छवि रंजन से वार्तालाप की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी बातचीत हुई और मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को आयोजित किया गया था जी। लेकिन शुभम, क्या सीएम सोरेन को कहीं पर आपत्ति नहीं हुई जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं? देखिए आप, ये तो अगर बात करें कोरोना महामारी में राजनीतिक को अगर दरकिनार करके बात करें, तो एक केंद्र से जो लगातार हेमंत सरकार सहयोग मांग रही है, चाहे वो टीकाकरण की बात कर लें, चाहे वो वैक्सीन की उपलब्धता की बात कर लें, तमाम ऐसी चीज़ें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, और केंद्र सरकार भी उन बातों को समझ कर कह सकते हैं वैक्सीन की खेप झारखंड तो ज़रूर पहुँच रही है, लेकिन उतने मात्रा में जितनी मात्रा में झारखंड में मौजूदा स्थिति में जो वैक्सीन चाहिए उतनी अभी उपलब्धता नहीं है, शायद इसी वजह से टीका करण जो प्रक्रिया उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हालांकि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन देना था वो उसकी कार्य प्रणाली प्रारंभ हो चुकी है, 14 मई से यह की शुरुआत की गई थी। और सागर, गौर करने वाली बात यह है कि 14 मई को मात्र झारखंड में, राजधानी रांची की बात करें तो मात्र 10 ऐसे केंद्र बनाए गए थे जहां पर 18 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से नीचे के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा था। और आज की जो मौजूदा स्थिति है, 25 ऐसे केंद्र राजधानी रांची में, और जो ग्रामीण और क्षेत्रीय इलाके दोनों मिलाकर हैं, तो कहीं ना कहीं स्थितियां अब बेहतर होते जा रही हैं, और कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आपसी समन्वय बनाकर इस महामारी के दौर में लड़ना होगा, तभी जाकर हम इस कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को जड़ से खत्म करने में कह सकते हैं काबिल हो पाएंगे। दूसरी बात करें सागर, तो जिस तरीके से जो मौजूदा तस्वीर है कोरोना को लेकर के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार पीएम से बात कर रहे थे, और एक दौर यह भी आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब फोन किया था, उन्होंने साफ तौर पर जब अपने बातों को
रखने की कोशिश की थी, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से यह भी कह दिया था कि मन की बात केवल है हुई है, काम की बात अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे तमाम आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बखूबी दोनों तरफ से देखने को मिलता है, लेकिन कोरोना जैसे महामारी पे राजनीतिक ना की जाए तो ही बेहतर है। सवाल यह है कि राज्यवासियों की जिंदगी को कैसे बचाया जाए। हालांकि झारखंड में अभी भी मृत्यु की दरें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मृत्यु के दर पर जब हम अंकुश लगाने में कामयाब हो पाएंगे तभी हम समझेंगे कि हमने कोरोना पर जीत हासिल की है। जी अमित जी, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं, उन सभी मुख्यमंत्रियों का बार बार यही कहना, आरोप लगाना कि मुझे उतनी मदद नहीं मिल रही है जितना मैं चाहता हूं, चाहे महाराष्ट्र की तस्वीर देखें या पश्चिम बंगाल की या झारखंड की या कोई भी राज्य उठाकर देखिए, लेकिन हम झारखंड पर ही हम बात कर रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं नहीं, आप हर जगह देख सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, उनको जितना जितना जरूरत पड़ा, या ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की जरूरत हो या सिलेंडर की जरूरत हो या वेंटिलेटर की जरूरत हो, केंद्र सरकार ने हर चीज को पूरा करने का काम किया है। ये कोई कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता गैर बीजेपी शासित राज्यों का कि वहां पर केंद्र सरकार ने कोई भेदभाव किया है। हर तरह से, हर रूप से उनको सबसे ज्यादा मदद करने का काम किया हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र, हर तरह से उनकी मदद की है। आज यदि कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री की अहम भूमिका है, तभी ये संक्रमण कम हो रहा है। जो जो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्रियों ने मांग की, उस मांग को प्रधानमंत्री ने तुरंत अविलंब उसको हल करने का काम किया। अमित जी, लग रहा है धरातल की हकीकत से आप पूरी तरह से वाकिफ नहीं है सर। जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखी गई सर, ऑक्सीजन की जब जरूरत थी तो सर, मैं बता देता हूं सर, यही झारखंड की धरती से लाखों लाखों टन ऑक्सीजन विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में गया है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो, सब जगह केंद्र सरकार ने भेजने का काम किया है। वायुसेना के विमान से यहाँ से लगातार ऑक्सीजन का सिलेंडर जाने का काम हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि उन्होंने मुझे जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई है, और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। आपके भी नॉलेज में होगा, आपके भी चैनल में जाए सर, लेकिन अगर मैं आपको साइकिल दे दूं सर, साइकिल अगर आप ना चला पाए तब तो सर साइकिल का होना बेकार है सर। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अगर वेंटिलेटर दिया राज्यों को सर, अगर वेंटिलेटर अगर दिया तमाम राज्यों को सर, उन राज्यों का ये कहना था अमित जी कि हमारे पास वेंटिलेटर चलाने वाला कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, हमने तमाम भर्तियां निकाली, विज्ञापन निकाले सर। भाई साहब एक्सपर्ट नहीं है, केंद्र सरकार तो आपको दे सकती है, एक्सपर्ट का बहाली तो केंद्र सरकार नहीं कर सकती है ना, एक्सपर्ट का बहाली तो करने का काम राज्य सरकार की होती है। अगर राज्य सरकार वहां पर फेल हो गई तो सर केंद्र को आगे आना चाहिए ना सर, कि सर मरता छोड़ देंगे सर राज्यों को, राज्यों की जनता को, देश की जनता को मरता तो नहीं छोड़ सकते। अगर राज्य सरकार अगर कह रही है नहीं हम नियुक्तियां निकाले लेकिन कोई चलाने वाला नहीं है, हम विज्ञापन भी कई बार निकाले, तब सर वहां पर इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं? चलिए फिर हम देश स्तर से बुला रहे हैं, भेज रहे हैं आपके यहां। हेलो, हाँ अमित जी बोलिए। ये तो प्राथमिकता के अनुसार यदि नियुक्ति का मामला आता है तो वो राज्य सरकार के अधीन होता है, और राज्य सरकार को चाहे वो डॉक्टर की नियुक्ति हो, नर्सों की नियुक्ति हो, यदि और किसी की नियुक्ति हो तो वो करने का अधिकार, अब तो कम से कम ये तो अधिकार राज्य सरकार का होता है। और राज्य सरकार जब इसमें फेल होती है तो अब इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अमित जी मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं रांची के अंदर, जो तमाम वो राज्य हैं, चाहे आप देख लीजिए वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं अभी भी अस्पतालों में, तो अभी भी कई राज्य सर गुहार लगा रहे हैं, और आगे ब्लैक फंगस का खतरा, तमाम और बीमारियां सर चपेट में ले रही हैं राज्य के लोगों को सर, इसको लेकर कितनी मुस्तैद है सर अभी? हमारी तरफ से, हम भारतीय जनता पार्टी आज झारखंड में विपक्ष के रूप में हम लोग यहां बैठे हुए हैं, और चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल जी हो, हर समय सरकार को दिशा निर्देशित करने का काम कर रहे हैं, हर समय सरकार को आगाह करने का काम कर रहे हैं।
और यहाँ तक कि नीचे स्तर के कार्यकर्ता भी अपनी सेवा भाव में लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं, बेड की व्यवस्था में लगे हुए हैं। यदि कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाके दवाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो भी सेवा संगठन सेवा का भाव है वो पूरी तरह से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है कि राज्य सरकार इसको कैसे निपटे। और मेरा तो मानना है कि आप बोल रहे हैं कि जमीनी स्तर की जानकारी नहीं है, मेरा तो मानना है कि आज के समय में जब तक हम अपने ब्लॉक स्तर पर अस्पतालों को दुरुस्त नहीं करेंगे, ब्लॉक स्तर में सुविधा को नहीं बढ़ाएंगे, तो आने वाला समय और भी विकट और कठिन होने का। लेकिन अमित जी, आज के दिन जो 10 राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअली बैठक में शामिल हुए, क्या सर उनको आपको नहीं लगता कि बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए थी? पीएम नरेंद्र मोदी केवल बोलते चले गए, उसके बाद सर मीटिंग समाप्त हो गई। अगर राज्यों के मुख्यमंत्री बोलते तो अपने राज्य की सर परेशानियों से अवगत तो कराते सर, तब तो ये चर्चा हुई नहीं, बातचीत हुई नहीं। ये कोई प्रधानमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक नहीं कर रहे हैं भाई साहब। हाँ। इससे पहले कम से कम 4 से 5 बार माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक किया है और लगभग हर मुख्यमंत्री से पर्सनली बात करने का काम किया है। आज कोई मुख्यमंत्री के साथ यदि कोई कहे तो पर्सनल रूप से मुख्यमंत्री के साथ बैठक नहीं की, आज देश के डीएम के साथ भी बैठक की, जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की, जो उन्होंने उनको सुझाव दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सुझाव दिया और आगे किस तरह से काम करना है इसके बारे में उनको जानकारी। और हम तो प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज कम से कम हर एक जिला के बारे में प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि हमारा हर एक जिला हर एक गांव किस तरह से बचे। ठीक है शुभम, ये कह रहे हैं अमित जी कि हम हर बार देखे कि पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत करते रहे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से, उन्होंने हालातों के बारे में हर बार जाना, पूछा, हालचाल लिया, लेकिन क्या वाकई में, क्योंकि देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री लोग ये कहते हैं कि नहीं पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई हाल भी जानने वाला नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है वास्तव में? शुभम शुभम क्या आप सुन पा रहे हैं? जी अमित जी, मेरा ये कहना है जिस तरह से अब कोरोना का ग्राफ तो धीरे धीरे से डाउन हो रहा है, लेकिन अगर तीसरी लहर फिर से लौट कर आती है, कोरोना को और भाई भयावह रूप हम देखते हैं कोरोना का, तो इसके लिए सर कितनी तैयार है केंद्र की सरकार, इसके लिए क्या मदद पहुंचाई जाएंगी राज्य सरकारों को, क्योंकि तीसरी लहर और भी भयावह हो सकती है सर, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। सागर जी आप एकदम सही बात बोल रहे हैं, अब हमको अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में ज्यादा चिंतित होना पड़ेगा। और स्वास्थ्य व्यवस्था केवल शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं उस ग्रामीण दूर दराज इलाकों की जिक्र कर रहा हूँ जहां पर हमको समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था हमको लागू करने पड़ेगी। हम केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने ब्लॉक स्तर को किस तरह से ज्यादा मजबूत करें, ज्यादा सुदृढ़ करें, वहां डॉक्टर की कमी ना हो, वहां नर्सों की कमी ना हो, हम गांव-गांव घर घर जाकर हम कम से कम जांच की व्यवस्था करा कर सकें, क्योंकि रोज अखबार के माध्यम से और आपके माध्यम से ये चीज आ रहा है कि ये गांव में, यदि आप गुमला का बात कर ले, यदि आप पश्चिमी सिंहभूम का बात कर ले, यदि आप हजारीबाग का कोडरमा का बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये संक्रमण गाँव की ओर बढ़ रहा है और इसको रोकने का यदि सबसे यदि कोई सुदृढ़ उपाय है तो वो है अपने ब्लॉक और जिला स्तर के अस्पतालों को आज से ही सुदृढ़ करने का। और ये काम हम केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करने के, यहाँ के सांसद विधायक मुख्यमंत्री से लगातार बात की है और सबने भरोसा दिया कि मुख्यमंत्री जी आप जो भी सहयोग हमसे मांगिएगा हम आपको करने के लिए तैयार हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है, स्वास्थ्य मंत्री जी का दायित्व बनता है कि रांची से वो उठें, जिलों में थोड़ा प्रवास करें, जिलों में जाके स्थिति का जायजा लें और वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का काम करें। ठीक है शुभम, एक बार फिर से जुड़ गए। शुभम, सवाल मैंने कुछ देर पहले आपसे किया था और वो सवाल ये कि अमित जी कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हर बार सीएम सोरेन से बातचीत की, हालातों के बारे में जाना, वो हर बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पर्सनली वो बातचीत करते हैं,
पूछते हैं कि कैसा है आपके राज्य का हाल, कितने लोग चपेट में आ रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या वाकई में ऐसा किया गया पूरे कोरोना काल के दौरान? शुभम, बिल्कुल सागर, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड छोड़कर के, और कह सकते हैं झारखंड समेत तमाम ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री से, वो कह सकते हैं इस कोरोना काल में लगातार बात कर रहे हैं, विचार विमर्श जरूर किया जा रहा है, लेकिन उसका अगर विचार विमर्श करने के बाद जो जमीनी हकीकत है वो अगर धरातल पर निकलते सामने आता तो कहीं ना कहीं राज्य की स्थिति और बेहतर होती। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हेमंत सोरेन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बात कर रहे हैं और स्थिति का जायज़ा लगातार लिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है झारखंड में, सबसे महत्वपूर्ण है सागर कि अगर ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है उसे कैसे रोकेगी राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, इस पर कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विचार विमर्श जरूर किया है और एक कह सकते हैं जमीनी स्तर तक जाने की ज़रूरत है। तमाम ब्लॉक और प्रखंड स्तर पर अब कोरोना की जांच करना बेहद ज़रूरी है, तभी जाकर कोरोना के बढ़ते हुए जो आंकड़े सामने आएंगे उस पर हम काबू पा सकेंगे। अगर दूसरी बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार अपने सुझावों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते आए हैं और उसी सुझावों का नतीजा है कि झारखंड से जो ऑक्सीजन की सप्लाई हुई थी वो कहीं ना कहीं पूरे राज्य तक पहुंचाई गई है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें चाहे वो दिल्ली की बात कर ले, तमाम जगहों पर झारखंड की दो जिलों से बोकारो और जमशेदपुर से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए थे, तो कहीं ना कहीं झारखंड का एक अहम योगदान रहा है इस कोरोना के विकराल घड़ी में। तो कहीं ना कहीं दोनों राज्य कह सकते केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सहमति बनने की ज़रूरत है और उन तमाम निर्णयों से राज्य की जनता का कह सकते हैं भला हो, ऐसे निर्णय की आवश्यकता है और इसी दिशा में पहल करने की भी आवश्यकता है जी। लेकिन शुभम, अमित ये भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता का ये कहना कि सीएम सोरेन रांची से निकलकर अगर जिलों में घुसे, जिलों के गांवों में घुसे, वहां के हालात को देखें, परखें, उसके बाद वहां पर भी व्यवस्थाएं पहुंचाई जाए, क्योंकि गांव में देखिए संक्रमण अब पांव पसार चुका है, ऐसे में गांव के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और वहां की हकीकत क्या है? शुभम, देखिए सागर, सबसे पहले अगर कोरोना से जुड़ी बात है तमाम तो उस पर एक मतलब आकलन लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो बढ़ता हुआ ग्राफ हमें देखने को मिला था होली के बाद से जो कोरोना में विस्फोट हुआ था और उसके बाद अचानक पूरा जो 15 मई तक का जो दिन था वो कह सकते हैं कोरोना का पीक आवर के नाम पर जाना जाता था। आए दिन पूरे झारखंड से विभिन्न जिलों से 5000 के केसेस सामने आते थे, 100 से पार मृत्यु की दरें रहती थी, लेकिन आज वो सिमट कर महज 200 से 250 तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में गिरावट हुई है राज्य की जनता के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इस परिस्थिति में ग्रामीण इलाकों पर भी नज़र बनाए हुए हैं और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने तमाम पदाधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर बन्ना गुप्ता को भी आदेश दिया कि हर एक गांव, हर एक जिला के जो भी अस्पताल रहेंगे वहां पर ऑक्सीजन बैंक बनाने की आवश्यकता है और जिस पर काम की शुरुआत भी हो चुकी है और जिसका लाभ सिर्फ राज्यवासियों को मिलेगा, क्योंकि यह देखा गया था कोरोना के इस घड़ी में कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, क्योंकि झारखंड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उत्पादकता हो रही है, तब भी जाकर ऑक्सीजन की कमी हुई थी और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे और मंथन के बाद ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं जिससे राज्यवासियों की जिंदगी को बचाने में हेमंत सरकार कारगर साबित हुई है। संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया गया, चैटबोर्ड ऐप का शुभारंभ किया गया और कई ऐसे अस्पताल भी बनाए गए कोविड के संक्रमित मरीजों के लिए, जिससे राज्य की जनता को राहत तो जरूर मिली है। और इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गाँव और कह सकते हैं जो जिला स्तर के जो लोग हैं उन तक राहत पहुंचाने में सरकार मंथन कर रही है। लगातार हेमंत सोरेन की सरकार है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना के तमाम नियमों का कह सकते हैं राज्यवासी से आग्रह कर रहे हैं कि पालन करें और जो भी सरकार से मदद होगा वो सरकार करने के लिए तत्पर है और एक एक राज्यवासी की जिंदगी की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है और सरकार इस बात को भली भांति जानती है और तमाम जिला स्तर से लेकर कह सकते हैं राज्य स्तर तक काम बहुत तेजी से हो रहा है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, सरकार हर दिशा में कदम उठाने को तत्पर है जी। लेकिन अमित जी, शुरुआती दौर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था कि गांव में जब ये संक्रमण फैलेगा तब हालात और बुरे हो जाएंगे, तो जो गाइडलाइनें तमाम जारी की गई थी केंद्र की तरफ से कोरोना को लेकर, अगर उनमें ये भी कहा जाता शुरुआत से ही कि गाँव में भी टेस्टिंग बढ़ाई जाए, गाँव के भी अस्पतालों को दुरुस्त किया जाए,
गांव के भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की जाएं, गांव के जो अस्पताल हैं छोटे मोटे वहां पर भी एक्सपर्ट डॉक्टर हों, तब आपको नहीं लगता कि हालात सर थोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं? मंत्री जी डे वन से ये बात प्रधानमंत्री जी बोलते आ रहे हैं कि गांव की ओर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, गांव की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना चाहिए। अब जहां तक दायित्व तो होता है वो राज्य सरकार का होता है कि राज्य सरकार इसको किस रूप में देती है। इस गाइडलाइन का आप बात कर रहे हैं, उस गाइडलाइन की पूरी कॉपी राज्य सरकार के पास भी आई और राज्य सरकार को ये चिंता करना है कि हम अपने गांव को किस तरह से बचाएं। हाँ, जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार यदि आप जो भी ये करेंगे, केंद्र सरकार उसमें पूरी तरह से सहयोग करने के लिए आपको तैयार है, लेकिन काम करने का यदि कोई हमारे पास संस्था है तो वो राज्य सरकार को इस चीज को देखना चाहिए। वहां नर्स की उपलब्धता किस तरह से हो, हम वहां पर आंगनबाड़ी की सेवा किस तरह से ले सकते हैं, सैया की सेवा किस तरह से ले सकते हैं, हमारे पास व्यापक रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उसको बस हमको एक तरह से कहें तो हमको उसको सजाने की जरूरत है। हम उसको सजा देंगे तो हमको पूरा विश्वास है जो गांव में संक्रमण फैल रहा है हम उसको कहीं ना कहीं रोकने में कामयाब होंगे। आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, आज झारखंड में टेस्टिंग का अभाव है, गांव में टेस्टिंग का अभाव है, तो ये चीज को अब इतने दिन हो गया, साल भर से ऊपर होने जा रहा है कोरोना की इस महामारी, तो ये टेस्टिंग का अभाव कमी कम से कम राज्य सरकार द्वारा नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार उस गांव में पहुंचे, राज्य के लोग उस गांव में पहुंचे, राज्य की संस्था उस गांव में पहुंचे, डॉक्टर उस गांव में पहुंचे और वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखे। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि हमारा यदि कोई सबसे पहला कदम होना चाहिए गांव को बचाने के लिए तो हमारा ब्लॉक स्तर है कि ब्लॉक स्तर को किस तरह से हम सुदृढ़ करें, उसको ऑक्सीजन का प्लांट लगाकर किस तरह से हम सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में यदि ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह का व्यापक रूप से संक्रमण फैलता है तो हम उसको तुरंत रोक सकें। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभम आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हालात जिस तरह से हैं इस वक्त पूरे देश भर में कोरोना को लेकर, अभी भी मामले कम नहीं हुए हैं, रिकवरी रेट में हल्का फुल्का इजाफा बेशक देखा जा रहा है लेकिन अभी बहुत अधिक सुधार की जरूरत है, तभी जाकर कोरोना से जंग हम जीतेंगे। लेकिन आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जो बातचीत की 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, उसमें ये निकल कर आया कि 10 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कहना, सीएम सोरेन का भी ये कहना कि मौका मिलने चाहिए था, ये उनका अपमान है। ऐसे में कौन सच्चा कौन झूठा, आज के दिन चर्चा में भी इन तमाम बातों को हम शामिल किए, ये भी देखना काफी है। हम देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।